आगे बढ़ रहे हैं और सीधा रुख कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा का, जहां पर आज युवा संसद लगने वाली है। आपको बता दें कि दो दिन तक ये युवा संसद जो है वो चलने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सभापति संदीप शर्मा ने उद्घाटन किया और आज विधानसभा और कल SMS स्कूल में युवा संसद होगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के तहत कार्यक्रम का आयोजन और प्रदेश भर से 146 विद्यार्थी युवा संसद में उपस्थित हैं। संघ की राजस्थान शाखा के सचिव विधायक संदीप शर्मा का संबोधन और राजस्थान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में मनभेद नहीं होता, केवल मतभेद होता है, ये उन्होंने संदेश दिया है। सारे विधायक मिलजुल कर प्रदेश से सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। तो ये नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा बच्चों को कि आपका सौभाग्य इस सदन में केवल विधायक प्रवेश कर सकते हैं और वहां आपको बैठने का सौभाग्य मिला है। प्रदेश में नियम कानून यही इस सदन में बन जाते हैं। किस वस्तु पर कितना टैक्स लगता है, किस पर नहीं लगता और आपकी कॉपी पर टैक्स लगेगा, इस प्रकार से सभी निर्णय जो है वो विधानसभा में ही तय होते हैं। तो ये बच्चों को जानकारी दी गई। और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं युवा संसद के। पुराने लोग बहुत पुराने लोगों में नहीं था, लेकिन बीच के कालखंड में कुछ बातें आ गई हैं, उसको आप अपनी पीढ़ी से ही अपेक्षा है। हम क्षेत्रवाद से दूर हैं, जातिवाद से दूर हैं, बातें बहुत करते हैं, पॉलिटिशियंस भी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी करती हैं, लेकिन जब कभी बात आती है चुनाव लड़वाने की या दूसरी, वहीं के वहीं सभी लोग उसी पर विचार करते हैं। उसे हट करके विचार करना पड़ेगा, योग्यता को भी आगे लाना पड़ेगा, लेकिन यह न तो भाषणों से होगी न केवल चर्चा करने से होगी, उसको जीवन में उतार करके और अपनाने की आवश्यकता है। केवल बहुत अधिक नहीं, चूंकि समय भी मैं देख रहा हूँ आपका समय हो रहा है, वैसे तो क्या इन्होंने दो शब्द जोड़ दिए, एक तो हम लोग घंटों बोल सकते हैं, राजनीतिक तो बोलता है, लेकिन राजनीतिक के साथ साथ मैं शिक्षक भी हूँ और शिक्षक के एक घंटे की पूरी क्लास पढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ अपनी जो भी टाइम, लेकिन उसके साथ अब अध्यक्ष बनाऊँ तो समय का पालन करना भी और करवाना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए बहुत अधिक न कहते हुए इतना आपसे जरूर करूँगा, आइए हम श्रेष्ठ भारत बनाने में आगे बढ़ें और उसमें हम सब सहयोगी बने और इस देश में जो भी कहीं अशिक्षा है सबको शिक्षित बनाए। लोग कहते हैं साहब देशभक्ति का क्या सवाल होता है, देशभक्ति का गांव या देश रक्षा का, क्यों सीमाओं पर जाने की आवश्यकता नहीं है? आप अच्छे बुद्धिजीवी हैं, क्या अपने सहयोगी को, साथी को कहीं किसी गाँव जा करके हम 5 लोगों को शिक्षित कर सकते हैं क्या? कोई डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर जा करके कुछ लोगों को, गरीबों को फ्री में देख सकता है क्या? ये सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। हम अपने कमाई के साथ साथ अपने जीवन का 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी उपलब्ध है, क्या हम समाज को जिस रूप में भी है उस रूप में दे सकते हैं क्या? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आज जो इस देश में गरीबी है, आज भी गांव में चले जाओ बहुत गरीबी है, आप और हम तो बहुत अच्छी स्थिति में है लेकिन हमें अनुभूति नहीं है। मुझे तो एक बार की अनुभूति है, जब मैं कॉलेज में प्रिंसिपल था, अपने बच्चों को एक एग्जाम्पल देके पूरा करूंगा, कोटड़ा जो सबसे उदयपुर की सबसे पिछड़ी तहसील है, मैं उन बच्चों को ले गया, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के थे, मेडिकल कॉलेज के थे, और वहाँ अपने उनको ले जा के कहा कि आप यहाँ से गांव जाओ, जो वो खाते हैं वही खाओ, जहाँ वो सोते हैं रात को वहीं सोना और फिर कल शाम को आप लौटना। फिर अनुभव हुआ, 2 दिन वो वहाँ रहे और जब वापस लौटे उनकी आंखों में आंसू थे कि किस प्रकार का जीवन व्यक्ति जी रहा है। उनकी स्पेशल डाइट क्या थी? पानी के अंदर प्याज उबाल करके वो स्पेशल डाइट बन है नहीं, बीमार पड़ जाए तो चारपाई पे उनको लेकर के अस्पताल पहुंचते थे। यानी आज बहुत अधिक, ये भारत की आजादी के लगभग 75 अमृतकाल पूरा हो गया, हमको उनकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। आप पार्लियामेंट में हैं तो वैसे कानून बनाना, वैसी ब्यूरोक्रेसी बनानी, उन तक इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सब कामों की चर्चा आप लोग अभी कुछ क्वेश्चन आंसर थोड़ा बहुत जितना समय आप करोगे, लेकिन इस पर घर जा करके भी विचार जरूर करना है। मेरे देश में मेरे से कमजोर व्यक्ति का जीवन स्तर, मेरे लाखों इनकम हो सकती है, तनख्वाह मेरे को 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख मिल सकती है, क्या मैं अपने 5 लाख अपने ऐश आराम में खर्च करूंगा या उसका एक अंश वो करूंगा? मैंने कुछ बच्चों का है, अपने जन्मदिन पर हम एक पेड़ लगा सकते हैं क्या? हम अपने किसी जीवन के, हमारे आज जन्मदिन मित्रों के साथ खूब मनाने जाते हैं, क्या उसमें कुछ राशि किसी गरीब व्यक्ति को मैं दे सकता हूँ क्या? इस प्रकार का सोच, संवेदनशील बनना, संवेदनशील बनते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना, तो यह देश जो समस्याएं उससे भी समाधान होगा
और एक श्रेष्ठ भारत बनाने में अपनी भी अहम भूमिका होगी। जब मुझे SMS से प्रस्ताव आया था कि इस प्रकार का हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, मैंने कहा सौभाग्य आप सबको भी मिलेगा कि कम से कम ये जो कह रहे थे वास्तव में यहाँ के लिए लोग तो जीवन समाप्त हो जाता है या नहीं पहुंच पाते, क्यों चुनाव जीतना सरल नहीं है, कोई तो भाग्य की भी बात होती है, कोई मेहनत के भी काम होती है, नहीं बड़ी मुश्किल से आप पहुंचते हैं। आज आप जीवन का कुछ क्षण ही